सर्व हिंदू समाज और अखिल भारतीय क्षेत्रीय युवा महासभा देपालपुर द्वारा राष्ट्रीय गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर रविवार को नगर में भव्य शौर्य यात्रा निकाली गई। देपालपुर नगर के गौतमपुरा नाका से शाम 5 बजे शुरू हुई शौर्य यात्रा नगर के मंगलेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, विजय स्तंभ चौक, बाजार चौक, चमन चौराहा होते हुए महाराणा प्रताप प्रतिमा इंदौर नाका पर पहुंची, जहां पर यात्रा के दौरान नगर के विजय स्तंभ चौक पर जबरेश्वर सेना के संरक्षक राजेंद्र चौधरी ने नेतृत्व में जबरेश्वर सेना द्वारा स्वागत किया गया। तो वहीं चमन चौराहे पर सत्यनारायण पटेल मित्र मंडल और विशाल पटेल मित्र मंडल इंदौर नाके पर इंदौर सचिव दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल, नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस सांसद प्रतिनिधि उदय आहूजा और समाज सेवियों द्वारा अलग अलग मंच लगाकर शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। शौर्य यात्रा का आयोजन किया था, बहुत शानदार आयोजन था और इस आयोजन की विशेषता ये थी कि क्षत्रिय महासभा ने इस आयोजन में देपालपुर और उसके समीपी सभी ग्रामीण क्षेत्र के सभी समाजों को सम्मिलित किया था। सर्व समाज का यह आयोजन अद्भुत था, अनुकरणीय था और प्रेरणादायी था। यह संपूर्ण भारत को मजबूत करने का एक प्रयास था और मुझे विश्वास है कि ऐसे आयोजनों का अनुकरण देश के अन्य समाज और क्षेत्र के लोग भी करेंगे, जिससे भविष्य में भारत एकजुट होगा और मजबूत होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा विगत कई वर्षों से शौर्य यात्रा निकाल रही थी महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इस बार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, मलखान सिंह जी और इनकी पूरी टीम ने एक अनुकरणीय निर्णय लिया